नमस्कार दोस्तों, एमपी करंट अफेयर्स के 27 दिसंबर 2020 के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह वीडियो आपके मध्य प्रदेश की आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे एमपी पुलिस कांस्टेबल यादि एग्जाम जिसमें मध्य प्रदेश से सामान्य ज्ञान क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए महत्वपूर्ण है। आइए स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश के इस वर्ष 2020 का तानसेन अलंकरण किसे दिया गया है, तानसेन पुरस्कार किसे दिया गया है वर्ष 2020 का, पंडित सतीश व्यास। इस वर्ष 2020 का तानसेन अलंकरण प्रख्यात संतूर वादक है, ध्यान दीजिए संतूर वादक है सतीश व्यास, उन्हें इस बार का अलंकरण तानसेन अलंकरण दिया गया है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में देश के सर्वाधिक प्रस्ता पूर्व महोत्सव तानसेन समारोह की शुरुआत दिसंबर 2020 के पारंपरिक ढंग से हुई है। हजीरा स्थित तानसेन समाधि स्थल पर शहनाई वादन, हरि कथा, मिलाद, चादर पोशी और कव्वाली का गायन हुआ है। मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग एवं उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी के संयुक्त रूप से तानसेन समारोह इस बार 26 से 30 दिसंबर 2020 तक आयोजित हो रहा है। तानसेन समारोह में कुल 8 संगीत सभाएं होंगी। पहली 7 सभाएं तानसेन समाधि स्थल पर सजेंगी। 8वीं एवं अंतिम संगीत सभा 30 दिसंबर 2020 को प्रातः तानसेन की जन्म स्थली मुरार जनपद पंचायत के ग्राम बेहट में झिलमिल नदी के किनारे सजेगी। 14 से 16 जनवरी 2021 तक 3 दिवसीय डोहेला महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया जाएगा? डोहेला महोत्सव का आयोजन ये सागर जिले में किया जाएगा। 14 से 16 जनवरी 2021 तक 3 दिवसीय डोहेला महोत्सव का आयोजन सागर जिले के खुरई में किया जाएगा। मध्य प्रदेश के किस जिले के सतीश गुर्जर की चित्रकला पहली बार इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुई है? ये किस जिले के हैं सतीश गुर्जर? हरदा जिले के हैं। इनकी पेंटिंग जो है वो पहली बार इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुई है। 15 अक्टूबर 2020 को पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आजाद के 89वें जन्मदिन पर सतीश गुर्जर और उनकी टीम ने 5 क्विंटल अनाज से 1500 वर्ग फीट में उनका विशाल पोर्ट्रेट बनाया था। यह पोर्ट्रेट इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। फटी पुरानी जीन से भी अपनी कला का जौहर दिखा चुके हैं सतीश गुर्जर और उनकी टीम इंदौर में 1 मार्च 2020 को 6000 फटी पुरानी जीन से राजबाड़ा का 10000 वर्ग फीट की कलाकृति बना चुके हैं। इसके अलावा सतीश ने 22 अप्रैल को ग्रैंड आर्ट से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 500 वर्ग फीट का पोर्ट्रेट बनाया था। इसके अलावा 15 अगस्त को 16 किलो लोहे की कील से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भगत सिंह सुखदेव राजगुरु की कलाकृति बनाई थी जो काफी चर्चा में रही थी। इसे हरदा नगर पालिका के शहीद गैलरी में अभी रखा गया है। प्रख्यात पत्रकार स्वर्गीय मणिकचंद वाजपेयी की जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर डाक टिकट अनावरण समारोह का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये स्वर्गीय मणिकचंद वाजपेयी की जन्म शताब्दी है, इसको भोपाल में डाक टिकट अनावरण का समारोह आयोजन किया जाएगा 27 दिसंबर 2020 को। यह कार्यक्रम मिंटो हॉल भोपाल में प्रख्यात पत्रकार स्वर्गीय मणिकचंद वाजपेयी की जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर डाक टिकट अनावरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता हरियाणा और त्रिपुरा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर कप्तान सिंह सोलंकी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम उनके मणिकचंद वाजपेयी का एक परिचय देख लेते हैं कि ये कौन थे। मणिकचंद वाजपेयी जी जो मामा जी के नाम से लोकप्रिय हुए, मामा जी हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, मतलब लोकप्रिय हैं, वे उत्तर प्रदेश के बटेश्वर में 7 अक्टूबर 1919 को जन्मे थे। मामा जी ने साल 1953 में भारतीय जनसंघ के संगठन मंत्री के रूप में कार्य किया। वर्ष 1966 में विजयादशमी के दिन स्वदेश इंदौर समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू हुआ और मामा जी संपादक के तौर पर उससे जुड़े। उसके पश्चात वर्ष 1971 में उन्होंने ग्वालियर स्वदेश और स्वदेश के अन्य संस्करणों में भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। आपातकाल में मामा जी को जेल भेज दिया गया लेकिन उनकी लेखनी बदस्तूरत चलती रही। वे इंदौर जेल में 19 माह रहे। वे कारावास से ही संपादकीय लेख भेजते रहे। अगला जो क्वेश्चन है आपका,
28 दिसंबर 2020 को राज्य स्तरीय खेल पुरस्कार अलंकरण समारोह का आयोजन कहां आयोजित किया जाएगा? ये जो आयोजित किया जाएगा भोपाल में ही आयोजित किया जाएगा। इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 28 दिसंबर 2020 को मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों को, प्रशिक्षकों एवं खेल से जुड़ी हस्तियों को खेल में किए गए उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्ष 2019 के राज्य स्तरीय खेल पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। राज्य अलंकरण समारोह में मुख्यमंत्री चौहान राज्य स्तरीय विक्रम एकलव्य विश्वमत एवं लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार का वितरण करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता खेल एवं युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया करेंगी। पद्म श्री अर्जुन एवं द्रोणाचार्य अवार्डी ओलंपियन शूटर जसपाल राणा विशेष अतिथि के रूप में शामिल होंगे। ये दोस्तों वर्ष 2019 के लिए दिया जा रहा है। ये जो अलंकरण समारोह 2020 का आयोजन किया गया है वो वर्ष 2019 के अलंकरण हैं, खेल अलंकरण हैं, उनके लिए किया गया है। वर्ष 2019 के लिए भोपाल के ओलंपियन हॉकी खिलाड़ी इनाम और रहमान को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से नवाजा गया है। यह पुरस्कार वर्ष 2002 से प्रारंभ किया गया था, कैप्टन रूप सिंह की स्मृति में 2002 से प्रारंभ किया गया था। वहीं बात करेंगे हम एकलव्य पुरस्कार 2019 के बारे में। व्यक्तिगत खेलों की बात करें तो ओलंपिक, एशियन गेम्स एवं राष्ट्रीय खेलों में खेल जाने वाले खेल में भिंड के अजातशत्रु शर्मा, केनोइंग कयाकिंग, देवास के आदित्य दोबे सॉफ्ट टेनिस, खरगोन के ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर शूटिंग, भोपाल की कुंवारी गार्गी सिंह प्रहार कराटे, जबलपुर की कुंवारी अंशिता पांडे बूसू, इंदौर के परम पदम बृथरे तैराकी, भोपाल के शंकर पांडे फेंसिंग, उज्जैन के अक्षत जोशी घुड़सवारी, इंदौर के सुश्री अनुषा कुटुम्बले टेबल टेनिस, धार की प्रियांशु राजावत बैडमिंटन, राजगढ़ के गोविंद बैरागी सेलिंग को एकलव्य पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। दोस्तों ये आपको कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है और किस जिले का है तो ये आपको जानकारी मिल जाएगी। इसमें एकलव्य पुरस्कार के दलीय खेलों की बात करें, ओलंपिक, एशियन गेम्स एवं राष्ट्रीय खेल में खेल जाने वाले खेल जिसमें टीकमगढ़ की कुंवारी शिवांगनी वर्मा सॉफ्टबॉल और ग्वालियर की कुंवारी इसका चौधरी हॉकी में शामिल है। परंपरागत खेलों में ओलंपिक, एशियन गेम्स और राष्ट्रीय खेल में नहीं खेले जाने वाले खेल में इंदौर की कुंवारी नित्यता जैन शतरंज शामिल है, जिसे एकलव्य पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया जाएगा। विक्रम पुरस्कार के व्यक्तिगत खेलों में भोपाल की कुंवारी राजश्री कुशराम केनोइंग कयाकिंग, भोपाल के फराज खान घुड़सवारी, इंदौर के आदित्य पागे तैराकी, जबलपुर की कुंवारी मुस्कान करार आर्चरी, देवास के जय मीणा सॉफ्ट टेनिस, भोपाल की कुंवारी चिंकी यादव शूटिंग वर्ष 2019 के लिए विक्रम पुरस्कार चुना गया है। वहीं हम दलीय खेलों की बात करें, इंदौर की कुंवारी पूजा पराखे सॉफ्टवेल, ग्वालियर की कुंवारी करिश्मा यादव हॉकी शामिल हैं। दिव्यांग वर्ग की ओलंपिक, एशियन गेम्स एवं राष्ट्रीय खेल में खेले जाने खेल में कुंवारी जानकी बाई जूड़ो, परंपरागत खेलों ओलंपिक, एशियन गेम्स एवं राष्ट्रीय खेल में नहीं खेले जाने वे खेल में भोपाल के चंद्रकांत हरडे थ्रोबॉल को शामिल किया गया है, जिसमें इन्हें दिव्यांग वर्ग में विक्रम पुरस्कार 2019 के लिए चयनित किया गया है। विश्वामित्र पुरस्कार की बात करें, ये प्रशिक्षक को दिया जाता है जिसमें व्यक्तिगत खेलों की ओलंपिक, एशियन गेम्स एवं राष्ट्रीय खेलों में जाने खेल में इंदौर के श्री अभिलाष एमटी तैराकी, भोपाल के गिरधारी लाल यादव सेलिंग, दलीय खेल के इंदौर के शरद जपे खोखो को विश्वामित्र पुरस्कार के लिए चुना गया है। अभी हाल ही में कृषक वैज्ञानिक परिचर्चा एवं कृषक संगोष्ठी का आयोजन किस जिले में किया गया है? ये जो किया गया है यह होशंगाबाद जिले में किया गया है। होशंगाबाद जिले के गोविंद नगर में भाऊ साहब भुस्कुटे स्मृति लोक न्यास एवं कृषि विज्ञान केंद्र के संयुक्त रूप में आयोजित कृषक वैज्ञानिक परिचर्चा एवं कृषक संगोष्ठी का आयोजन 26 दिसंबर 2020 को किया गया है। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल इस कार्यक्रम में संगोष्ठी में शामिल हुए। ये फैक्ट है 27 दिसंबर 2020 के एमपी करंट अफेयर से संबंधित। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के कुलपति प्रदीप कुमार बिसेन हैं, राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह हैं। हमारे मध्य प्रदेश में नगरीय चुनाव एवं पंचायत चुनाव 3 महीने स्थगित कर दिए गए हैं, 3 महीने बाद होंगे। विज्ञान प्रौद्योगिकी तथा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री प्रकाश
ओम प्रकाश सकलेचा ने 6वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय विज्ञान महोत्सव IISF 2020 में देश के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रियों के साथ सम्मान कार्यक्रम को वर्चुअली रूप से संबोधित किया। योग एसोसिएशन भोपाल और LNTCP ग्रुप के संयोजन से 28 और 29 नवंबर 2020 को ऑनलाइन योगा कंपटीशन का आयोजित किया गया था। नवंबर की बात है, ये बात करेंगे हम टॉपिक की। सबसे पहला, ये रिकॉर्ड बनता ही जा रहा है, इम्पोर्टेंट होता जा रहा है। मध्य प्रदेश में 22 दिसंबर 2020 को बिजली के अधिकतम मांग का नया स्वर्ण रिकॉर्ड बना था। इसमें मध्य प्रदेश के बिजली सेक्टर के इतिहास में पहली बार बिजली का एक दिन की अधिकतम मांग 15,083 मेगावाट दर्ज हुई, जिसमें मध्य प्रदेश पश्चिमी क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर व उज्जैन संभाग, ये पश्चिम क्षेत्र की विद्युत कंपनी इंदौर व उज्जैन संभाग में बिजली की अधिकतम मांग 5,882 मेगावाट, मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी भोपाल ग्वालियर संभाग 5,082 मेगावाट, मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी जबलपुर सागर व रीवा संभाग 4,119 मेगावाट दर्ज हुई है। अभी रबी सीजन में 4 दिसंबर 2020 को मध्य प्रदेश में बिजली की अधिकतम मांग 14,856 मेगावाट दर्ज हुई थी। पिछले रबी सीजन में बिजली की अधिकतम मांग 3 फरवरी 2020 को 14,555 मेगावाट दर्ज की गई थी। प्रतिपूर्ति वनीकरण, वैकल्पिक वनीकरण क्या होता है, इसके संबंध में मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक में एक निर्णय लिया गया है। 22 दिसंबर 2020 को ऐसे मामले जिसमें वन विभाग की भूमि, जिन भूमियों पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 आकर्षित होता है या लागू होता है, कि निजी कंपनी, भारत सरकार की कंपनी या निजी संस्थाओं, अपेक्षित निकायों को परियोजना के लिए आवंटित की जाती हैं। ये जो वन भूमि होती है, जिसमें भूमि वन संरक्षण अधिनियम हर भूमि पर लागू होता है जहां वन प्राणी होते हैं या फिर जो भी वन की जमीन होती है, तो उसमें कोई भी निजी कंपनी होती है या भारत सरकार की कंपनी होती है या फिर मध्य प्रदेश शासन को जमीन की जरूरत पड़ती है, तो उसके मामले में ये है कि ऐसे मामले में प्रतिपूर्ति वनीकरण, वैकल्पिक वनीकरण के लिए भारत सरकार के समय समय पर जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुरूप वन विभाग को प्रभावित भूमि के बराबर भूमि दिए जाने का अनिवार्यता है। समझिए, जब ही आपको वन भूमि जमीन मिल पाती है, जब वन विभाग की प्रभावित भूमि के बराबर भूमि दिए जाने की अनिवार्यता की गई है, ऐसे नियम है। ऐसे मामलों में वन विभाग के ऊपर वर्णित अपेक्षक निकाय के व्यापार शासकीय भूमि प्रतिपूर्ति वनीकरण के लिए ऐसी भूमि के संक्षित कृषि भूमि के बाजार मूल्य के 1.6 गुना बराबर की राशि लेकर उपलब्ध कराई जाएगी। उपरोक्त राशि के अतिरिक्त भारत सरकार के दिशा निर्देश, राज्य सरकार के वन विभाग के निर्देशों के अनुसरण में वनीकरण के लिए व्यय की जाने वाली राशि भी अपेक्षक निकाय को पृथक से देने होगी। ये है इसमें, और इसमें कुछ नहीं है। इसमें ऐसी भूमि को जो संक्षित कृषि भूमि है उसके बाजार मूल्य के 1.6 गुना के बराबर राशि लेकर उपलब्ध कराई जाती है। पिछले वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में वेबिनार का आयोजन कब किया गया था, जिसमें ई फाइलिंग प्रक्रिया का प्रदर्शन एवं नवीन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की जानकारी दी गई है। ये जो किया गया था 24 दिसंबर 2020 को इसका आयोजन किया गया था। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के मौके पर वेबिनार का आयोजन किया गया। वेबिनार में ई फाइलिंग प्रक्रिया का प्रदर्शन एवं नवीन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की जानकारी दी गई है। आज का जो आपसे क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश सरकार ने कृषि कैबिनेट का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है। कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री, मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री में से एक आंसर जिसका आंसर सही है, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। दोस्तों, हमारे द्वारा कल 2 टॉपिक वीडियो डाले गए थे। एक था ये लव जिहाद से संबंधित वीडियो, और एक वीडियो और था जिसकी लिंक आपको कल आपने देखी हो ना हो, उसकी PDF डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई थी, जहां से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो की भी जल्द से जल्द हम डेली की डेली PDF डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया करेंगे। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक ज़रूर कर दिया करें। हमारा यह वीडियो आप शेयर कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों, हमारा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।